सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता। आग लग गई यार, फायर ब्रिगेड को बुला रही हो यार, आग तो बढ़ती जा रही है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। वैसे जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो दिवाली हो चुकी होगी, आज दिवाली है। आज मैंने अपना अमृतसर का लास्ट ब्लॉग, जिस दिन हम वापस आए थे, वो वाला ब्लॉग डाला है, तो आई थिंक दो इसके बाद 26 को मे भी आएगा ये ब्लॉग। एनीवेज बाकी अभी इट्स 10 इन द मॉर्निंग, आपकी सुबह से अभी घर की सफाइयों में लगी थी मम्मी के साथ। अभी मार्केट में ना मैं सबसे पहले नहा के तैयार हो जाती हूँ, उसमें ना रील वगैरह बनाने जाना है, नए कपड़े डालने हैं ना, तो धीरे स्कूल के पास चली हुई रील वगैरह बनाने, बट मैंने कहा उससे रिलेटेड कुछ अच्छी, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेसरी चाहिए थी, बोल रहे मार्केट जा रही हूँ, तो अभी लगाने लगी थी, मतलब जो मंदिर लगाते हैं ना वो पूरा वो करने लगी थी। मैं कहा चलो एक बार गिफ्ट अनपैक करके वीडियो भी बना लेती हूँ क्या क्या लाए थे। जिस दिन धनतेरस थी ना, उस दिन मैं दो चीज़ें लाई थी, एक तो ये लाई थी, मतलब होता ना ऐसा कुछ की बर्तन लेने या ज्वेलरी, ज्वेलरी तो नहीं ली थी भाई अभी, बट बर्तन लेने थे, तो ये एक तो ये लाई थी, उसके अलावा कप्स लेकर आई थी स्टील के, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, काफ़ी हैवी है, इसमें हल्के वाले भी थे, हल्के वाले बना के लेकर आई थी। गिव 600 के 4 मिले हैं कप, तो अनपैक करते हैं। ये है सुजाता का जेएम क्या बोलते हैं, जूसर मिक्सर ऐसे करके कुछ बोल रहे थे वहाँ, तो जेएम क्या बोल रहे थे, आपको दिखाते हैं। ये है वो जूसर मिक्सर जो कि हमने लिया है, इसकी वो नोटबुक होगी हाउ टू ऑपरेट, है ना। रुक जा भाई, गारंटी कार्ड कोड भी निकालने दे, ये पंखा पंखा रुकेगा ही नहीं, पता नहीं कौन, तू कर ले पहले, तू कर ले, देखने बैठा रहा भाई, दे धीरे बहुत हो रहा, रुक जा। ये क्या है, इसी के बारे में कुछ डिटेल नहीं, ऐसे में ये तीनों आते हैं, ये सारे आते हैं, मतलब एक ये होता है, हाँ एक ये होता है, ये एक ही तो है, ये एक ये होता है, ये हमने कौन सा लिया, ये होता है हमारा, ये लिया हमने, ये लिया, उसके अलावा एक ये होता है खाली, अच्छा एक ये खाली ये होता है, एक खाली ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, हमने ये वाला लिया, एक गाजर बूस्टर मिला होता नहीं ऊपर, हाँ ये तो कुछ ऐसे ही देख रहा है, जिससे वो गाजर ने दांत, अच्छा अच्छा ठीक है, इसका दांत, हाँ इसके पापा का जूस का ही दुकान था, इनके तो होगी, वो देखो खुल गया साइड से, निकाल निकाल पहले ये ना, जार निकाल, मिक्सचर भी अच्छा है इसमें, ठीक निकाल, देखा कितना बड़ा है जार, दोनों जार दिखाइए सामने से, ये बनाने से तो कला ही चटनी पिस रहा है, ये कांच का है ऊपर, है ना, नहीं प्लास्टिक है, पर वो स्क्रैच वैच खराब हो सकता है, बस स्टैंड थोड़ा सा लुक दिखा दूँ, फिर अंदर ही रख दे अभी तक। अच्छा लगा धीरे धीरे, तेरे को नहीं पिलाएंगे हम इसमें से जूस, मैं ही पीऊंगी सारे जूस, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, पैसे तो मैंने ही दिए हैं। एनीवेज अभी मैं और जीजू फर्स्टली जो मेरे आज के काम करने थे वो कर रहे हैं, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं आप देखो, बाकी ये भी नहा लिया, इसका आउटफिट भी दिखा देती है, इसका दिवाली आउटफिट है, लोर भी घूमता रहता है, कब होएगा तैयार, शाम को जब मिलने जाएगा, तो
अभी मैं और धीरज आ गए गौशाला में। क्यों आए एक्चुअली ना, अमन ने मेरे को बोला हुआ था कि गौशाला में पूछ रही हूँ, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो दे रही हो। तो मैं आई थी थोड़े दिन पहले यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था फ़ैन वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तो एक अभी लिए, एक थोड़े दिन के बाद जब दोबारा चल रही तब ले लेंगे। तो ऐसे करके दो फ़ैन प्लान किए देने के लिए उठाइए। तो लेकर आई थी मैं हेवल्स का फ़ैन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ़ैन है, मतलब क्यों खोलना है, ये आएगी नहीं उसमें काजू पतली खोल डिगी। गौशाला देख रहे हो ना, और यहाँ पे ऑफिस है तो यहीं पे हम बात करते हैं चल के। फैन वगैरह तो दे दिया है, और दवाइयों के लिए मैंने पैसे भी दे दिए उनको, गूगल पे ही कर दिए थे। बाकी चारा बोला था, मैंने कहा चारा डाल देती हूँ। वैसे मम्मी बोलते रहते हैं कि गाय को चारा डालना अच्छा होता है, पर ना मैं आ नहीं पाती हूँ। अब आई हूँ तो मैंने कहा ये भी करके ही जाती हूँ। ये तो चारा पड़ा है इधर, मतलब यहाँ पे मशीन में कट होगा। गाय को ही डालेंगे, तेरे को थोड़ी डालेंगे गाय को ही डालेंगे। कह रहे भैया गाय को डालना, बता हट आगे से। अच्छा इसमें काटते हो चारा? अच्छा तभी एकदम से नहीं, पहले नहीं काट के रखते? अच्छा भैया ने मशीन ऑन कर दी चारा काटने की। अरे वाह, हवा देख पीछे होता कपड़ों पे आएगा। इतनी सारी गाय, तेरे को पता है गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तभी तो गाय को भगाता गली में और गौ माता में भी। तो अभी मैं और धीरज आए थे गौशाला के पास सुभाष पारा। क्यों आए थे धीरज? हम काला कहाँ से लग गया वो, आपने चिकवाया ना मेरे से वो घासला चारे वाला। लगे मेरे भी वही तो लग गया। ये पहले ये बता धीरज की रीले बनाने आया था, धीरज की रीले बनाने 60 रीले खुद बनवा ली। तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैंने बनाए ना, तूने कहा था कि मेरे को काजू कतली का डिब्बा देना अगर मैंने आपकी रीले बना दी बिना कुछ कहा। तूने वहाँ कर दी, अब तेरे को ना काजू कतली मिलेगी ना कुछ। होगी ना पूरी, पर नहीं हुई पूरी और ना ही काजू कतली मिलेगी। टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, चल ना तू, जा ना तू। बाकी कुछ ऐसा अभी तक सजाया मैंने मंदिर, लक्ष्मी माता यहाँ पे, लक्ष्मी गणेश जी है साइड में। मैंने कल ये दो लैंप्स खरीदे थे लाइट वाले, ये लगाए, अंधेरा करके देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। बीच में ये कुबेर जी है, फूलियों का प्रसाद, और ये मुरमुरे होते हैं अलग अलग, ये मक्की के और एक ये वाले और ये खिलौने होते हैं, है ना, इनको रखेंगे। अभी इसमें एप्पल्स रखेंगे, ड्राई फ्रूट रखेंगे, और ये चांदी के सिक्के ना प्लेट्स होती हैं उनकी। पापा उनको ठीक मतलब वॉश कराने क्लीन कराने गए हैं, और ये बैठे हैं हमारे कान्हा, और ये लगा रखे हमने शुभ दीपावली। अभी ये दिए लेके जा रही हूँ मंदिर में और सौंप पे रखने के लिए, पहले करके नीचे तो रखे नहीं, वहाँ रख के आऊँ, पहले तो भूल गई मैं। हमारे यहाँ पे शिव जी जी है, यहाँ पे शिव परिवार है, उसके बाद हमारी माता सरस्वती है जो कि है ज्ञान की देवी, उसके बाद हमारे बाहुबली हनुमान जी, देन यहाँ पे हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ, ये हमारी दुर्गा देवी, कृष्णा एंड विष्णु। तो अब अकेडमी आए थे, बाकी अमित सर भी यहाँ पे, दीपक सर भी है, गरिमा मैम भी है, यहाँ पे भी पूजा करना बनता है, पूरा दिन हम यहीं होते हैं। तो मंदिर को थोड़ा सा तैयार रेडी किया था हमने, और अब सर जोत जलाएंगे। छाना टोस्ट खाओ, टेस्टी है प्रसाद? चमचम जो आप बोल के लाए। मेरे को नहीं पता था ये छाना टोस्ट होता है, ये हाफ चमचम है। मैं इसको चाइना टोस्ट, छाना मैं तो चाइना ही बोल देती, ये हाफ चमचम है, मैं इसको चमचम ही बोलती थी। बाकी कैंडल लगा दिए। चलो सर, ओके, हैप्पी दिवाली, टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली मैडम। घर के साथ साथ एकेडमी में भी हम पूजा किया, तो फिर कैंडल्स बन भी बन, कैंडल से डेकोरेशन भी बनती थी ना। एक नीचे वाली सीढ़ी पर लगा दो, यहाँ पर रास्ते में पटाखे जला रहे हैं, और मैं और गरिमा मैडम जा रहे हैं घर। कुछ नहीं आता, निकल जा, रुक जा, फिर की जा, चल कोई नहीं।
निकाल देती है, सब निकाल देते, देख लिया ना सामने वाले को तो हौसला हो गया। इस टाइम गली में सिर्फ वो पटाखे जला रहे हैं, बाकी इधर भी जल चुके हैं उधर भी जल चुके हैं और मैं ही रह गई हूँ। मैं सोच रही पहले मैं उधर जाके आती हूँ फिर उसके बाद जलाऊँ। जब से आपने पटाखों की दुकान बंद करी है ना, हमें पता कितना घाटा हो गया भाइयों को भी और मेरे को भी, है ना, कितना तगड़े वाला घाटा हुआ है हमें पता है आपका। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हमारी तो, हर 500 रुपए में 3 डब्बे मिल रहे हैं हमें। हमने कैंसिल कर दिया जब उसने बोला ना 200 का सेवन शॉट कैंसिल, ऐसे हुआ हमारे साथ आज। ये हमारी चाची जलाएंगे अब शॉट्स, दिखेगा कहाँ से, एक मिनट रुको, यहीं से दिख जाएगा। हाँ जी नहीं, एक दो दिन बाद आएगी, पिछली पेंडिंग है अभी भैया। थैंक यू भैया। आग लगा दी इन्होंने तो भाई, आग लगा दी। अनु मलिक आ गया लग रहा, आग लगा दी। क्या करा, आग क्यों लगा दी भाई, आग लगा दी बताओ दिवाली वाले। ला ला सारे इकट्ठे नाली में बांट दिए पटाखे। ओ भाई क्या यार आग लगा दी तुमने दिवाली वाले दिन। फायर ब्रिगेड को बुलाओ यार, आग लगा दी, फायर ब्रिगेड बुलाओ। ऐसा लग रहा है अग्नि में डाल रहे स्वाहा, आग लग गई यार। फायर ब्रिगेड को बुला रही हो यार, आग तो बढ़ती जा रही है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ओ तेरे दीवारें गिरेगी बस अब। So it's 11:45 and I am done with my own patakas. अभी बाहर बहुत पटाखे चल रहे हैं बट मेरे पटाखे आज के लिए खत्म होंगे, मतलब मैंने बचा लिए क्योंकि कल जब सब सो रहे होंगे और सबके पटाखे खत्म हो चुके होंगे तब मैं पटाखे जलाने वाली हूँ। तो आई थिंक इस दिन को, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, और पटाखे जलाना ना अच्छा नहीं होता हमारे एनवायरमेंट में, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, मुझे खुद गले में फील हो रहा है कि मेरे को मतलब पॉल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है, बट दिल है कि मानता नहीं है ना वही तो, अगर हमने यही कंट्रोल खुद पे कर लिया तो फिर हम तो महात्मा ज्ञानी ना बन जाए। एनीवेज आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।